Dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. बेटा, this is the another video of the chapter Company Accounts Issue of Share. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉलिनेरियर कराया था. कॉलिनेरियर का मतलब क्या होता है कि जब हमारी कंपनी अपने शेयर होल्डर से पैसे मंगवाती है कॉल्स के, लेकिन शेयर होल्डर टाइम पर पैसा नहीं देता, उसको हम कॉलिनेरियर कहते हैं. फिर जब उसके पास पैसे आ जाते हैं तो वो उसको क्या कर देता है, पे कर देता है. तो उसमें मैंने बोला था कि एक सिचुएशन ऐसी कराई थी जिसके अंदर कॉलिनेरियर अकाउंट ओपन किया जाता है, और एक जो है सिचुएशन ऐसी करती है जिसमें कॉलिनेरियर अकाउंट ओपन नहीं किया जाता. तो आज जो है मेरा नया टॉपिक क्या है, कॉल इन एडवांस. कॉल इन एडवांस का मतलब क्या है कि जब कंपनी अपने शेयर होल्डर से पैसा मंगवा रही है, लेकिन उनमें से ही जो शेयर होल्डर्स हैं उनमें से कुछ शेयर होल्डर कंपनी को एडवांस में पैसे दे देते हैं, उसको कॉल इन एडवांस कहते हैं. अब इसका फायदा क्या होगा शेयर होल्डर अगर एडवांस पैसा दे दे, क्योंकि कंपनी उनको मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस 12% पर एनम देती है. बेटा, मन मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि कॉल इन एडवांस पर कितना इंटरेस्ट जो है प्रोवाइड किया जाता है, किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा शेयर होल्डर को, तो 12% पर एनम याद रखना. और अगर कॉलिनेरियर पर आ जाए तो कितने परसेंट इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है कॉलिनेरियर पर, तो वो 10% पर एनम है. ठीक है, अब कॉल इन एडवांस का मतलब क्या है कि जब कभी कंपनी ने अभी कॉल नहीं मंगवाई अपने शेयर होल्डर से, पर किसी कोई शेयर होल्डर में से ऐसा भी होता है जिन्होंने कंपनी को टाइम से पहले पैसा दे दिया है, उसको हम कॉल इन एडवांस कहते हैं. ठीक है, तो बात ये आती है कि जब एडवांस आ जाता है तो हम क्या एंट्री करते हैं, ये लिखिए. पहले लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, ये पहली एंट्री बता रही हूँ. मतलब बाकी तो तुम्हें पता है, जैसे हम एप्लीकेशन की दो एंट्रीज करते हैं, कौन सी होती है, एक तो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दूसरी होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. जो हम मनी ट्रांसफर करते हैं एप्लीकेशन, किसमें ट्रांसफर करते हैं बेटा, शेयर कैपिटल में. उसके बाद आपको शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये भी आती है जो हम अलॉटमेंट क्या करते हैं, ड्यू करते हैं. जब रिसीव करते हैं, मान लो अलॉटमेंट के टाइम फर्स्ट कॉल मनी भी आ गई है और फाइनल कॉल मनी भी आ गई है, तो हम एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल इन एडवांस. अब मैं इसको अलग से करा रही हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट. इसका मतलब कि एडवांस आ गई, अगर मान लो ये अलॉटमेंट के साथ आई हो, क्वेश्चन में डिपेंड करता है लैंग्वेज पे, अगर एडवांस आई है अलॉटमेंट के टाइम, कॉल मनी किसके टाइम आई है, अलॉटमेंट के टाइम आई है, तो जब हम अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री करते हैं ना, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट. वो आपकी मर्जी है, आप इकट्ठी भी कर सकते हो या अलग से भी कर सकते हो. बैंक टू शेयर अलॉटमेंट अलग कर दी और बैंक टू कॉल इन एडवांस क्या कर देते हो, अलग. ये कब करते हैं, जब हमारी एडवांस आ जाती है कॉल. ठीक है, तो ये हम इसमें क्या लिखेंगे, इसका लिखिए कॉल रिसीव्ड इन एडवांस, रिलेशन लिखिए बीन कॉल रिसीव्ड इन एडवांस, कि एडवांस हमें मिल गई है. ठीक है, ये इसकी क्या है, नरेशन. समझ आ गई, ये तो पहली एंट्री है. फिर सेकंड एंट्री हम करते हैं, मान लो हमारी कॉल है, ठीक है, वो ड्यू हो रही है, लिखिए शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ये आपको पता है बेटा, जब हम फर्स्ट कॉल मनी क्या करते हैं, ड्यू करते हैं, ये पहले मैंने आपको सिखा रखा है. तो रिलेशन क्या होगी, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, कि फर्स्ट कॉल मनी क्या हो गई है, ड्यू हो गई है. तो जब हम अब एडजस्ट करते हैं, रिसीव करने की एंट्री आपको आती है बैंक अकाउंट डेबिट. ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बताने वाली हूँ. पहले सुनो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, आप पहले ये करते होते थे, याद करो जब फर्स्ट कॉल मनी रिसीव होती है तो एंट्री करते हो ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. पर क्योंकि इसमें कुछ कॉल इन एडवांस पहले आ चुकी है, तो कॉल इन एडवांस पहले क्या हो गई, क्रेडिट हुई है, तो अब क्या हो जाएगी, जब एडजस्ट करेंगे तो हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे. तो एंट्री होगी कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, यानी कि पूरी एंट्री में बताऊं तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. मतलब कहने का, जब रिसीव हुई थी तो उसको क्रेडिट किया था, अब जब हमने एडजस्ट कर दिया है तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे. मैंने आपको यहाँ पे बताया फर्स्ट कॉल भी पहले आ गई, एडवांस आ गई और फाइनल कॉल भी आ गई है. तो अभी मैंने बात फर्स्ट कॉल की है कि कुछ मनी हमने क्या कर दिया है, कॉल इन एडवांस की एडजस्ट कर दिया है. फॉर एग्जाम्पल 5,000 एडवांस आ गया, 3,000 हमारा फर्स्ट कॉल का था, 2,000 हमारा फाइनल कॉल का था. तो जब हम
फाइनल कॉल की रिसीव वाली एंट्री करेंगे, उसमें एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2000 को एडजस्ट कर देंगे। टोटल 5000 आए हैं, 3000 अगर मेरे फर्स्ट कॉल के तो यहाँ पर 3000 लिखेंगे, ठीक है, और 2000 जो हमारे होंगे वो किस में लिखे जाएंगे, फाइनल कॉल में। तो दोबारा सुनो, जब हमारी कॉल इन एडवांस आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस करेंगे, फिर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, अब इसमें क्या लिखेंगे, बीइंग कॉल इन एडवांस एडजस्टेड, कॉल इन एडवांस एडजस्टेड मतलब एडजस्ट कर दी गई है। अभी बात मैंने किसकी की है, फर्स्ट कॉल की है। अब हम क्या करेंगे इसके बाद बेटा, फाइनल कॉल मनी मंगाएंगे, किससे मंगाएंगे, शेयर होल्डर से। तो आप लिखिए नंबर 4 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ये फाइनल कॉल जब हम मंगा रहे हैं, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, जो आपको पता ही क्या होती है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फाइनल कॉल मनी, कि जितने शेयर्स हैं इनटू मल्टीप्लाई किससे करते हैं, जितनी फाइनल कॉल मनी है। अब बात करेंगे इसकी नरेशन भी लिख लो पहले, बीइंग फाइनल कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी ड्यू, मनी हमारी क्या होगी, फाइनल कॉल पर ड्यू हो गई है। अब बात करते हैं एडजस्ट करने की, तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, याद रखना कॉल इन एडवांस डेबिट क्यों हुई, क्योंकि जब रिसीव हुई थी तो वो क्रेडिट हुई थी, तो अब क्या करते हैं, अब हम इसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, जब एडजस्ट करते हैं टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है, बीइंग कॉल इन एडवांस मनी कॉल इन एडवांस एडजस्टेड, कॉल इन एडवांस क्या कर दी गई, एडजस्ट कर दी गई है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 5000 रुपये हमें मिले हैं एडवांस में, जिसमें से 3000 हमारे क्या थे, फर्स्ट कॉल से रिलेटेड थे, तो 2000 हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे किसमें, कॉल इन एडवांस फाइनल मनी, कि फर्स्ट कॉल मनी ड्यू तो पूरे शेयर पर ही करेंगे, मतलब शेयर्स इनटू फाइनल कॉल मनी जितनी होगी, लेकिन रिसीव करते हैं हम क्या करेंगे, जितनी हमें 2000 फालतू मिली थी ना फाइनल कॉल की, वो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो बेटा अब आपको समझ आ गया होगा कि कॉल इन एडवांस का मतलब क्या होता है, एडवांस मनी दे देना शेयर होल्डर के द्वारा कंपनी को, इसका मोटिव क्या होता है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि कंपनी वाले इनको इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस दे दे। तो मैक्सिमम कितना रेट इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस का होगा, 12% पर एनम, ठीक है। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस की एंट्री हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको इसको ना, जो कॉल इन एडवांस टॉपिक है, उसको एक क्वेश्चन की हेल्प से कराने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले सुनिए क्वेश्चन नंबर 16 दीपक वर्मा की बुक का, शिप्रा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच टू पेबल एज फॉलोस, 2.50 ऑन एप्लीकेशन, कि हमारे जो नंबर ऑफ शेयर्स 80,000 है जो इशू किए गए कंपनी के द्वारा, 1 मई 2019 को एप्लीकेशन मनी 2.50 मतलब 2.50 रुपये है, और अलॉटमेंट जो है मनी 1 जून को 2.50 रुपीज़ है, वो भी 2.50 मतलब 2.5 रुपये है। फर्स्ट कॉल हमें 1 नवंबर को मंगाई गई है कंपनी के द्वारा 2 रुपीज़, और सेकेंड कॉल 3 रुपीज़ मंगाई है 1 फरवरी 2020 को। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड, सारे के सारे अप्लाई कर लिए गए कंपनी के द्वारा एंड अलॉटेड, उनको अलॉट कर दिए गए शेयर्स। शंकर होल्डिंग 600 शेयर्स पेड द होल ऑफ द अमाउंट अलोंग विद अलॉटमेंट, सारा पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया। सारा पैसा का मतलब क्या होता है, अलॉटमेंट के बाद कितनी कॉल्स हैं, 2 है, 1 फर्स्ट कॉल 1 सेकेंड कॉल है, तो यानी कि 600 के ऊपर हमें 5 रुपये फालतू मिल गए हैं, मतलब एडवांस मिल गए हैं, फालतू तो नहीं कहेंगे एडवांस, कैसे 2 रुपये फर्स्ट कॉल के और 3 सेकेंड कॉल के, तो 5 रुपये फालतू मिल गया, तो 3000 रुपये हमें अलॉटमेंट के टाइम एडवांस मिल गए हैं। हम रिसीव तो कर लेंगे, लेकिन एडजस्ट कब करेंगे, जब मनी रिसीव होगी फर्स्ट कॉल की और जब मनी रिसीव होगी सेकेंड कॉल की। तो अभी आपको समझाऊंगी किस तरह करना है। तो हमें कैश बनाने को कहा गया, और क्या बनाने को कहा गया, जर्नल बनाने को कहा गया। 31 मार्च एवरी ईयर हमारे अकाउंट्स क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, जब भी कैश बुक बनाने को कहा जाए ना बेटा, तो हमने जितनी भी बैंकिंग एंट्रीज हैं वो सारी कहाँ पर कर देनी है, जनरल में, सॉरी किस में कर देनी है, कैश बुक के अंदर करनी है, और बाकी एंट्रीज हम क्या करेंगे, जनरल में। तो सबसे पहले बनाते हैं हम जनरल।
अब बेटा हम बनाएंगे जर्नल ऑफ शिप्रा लिमिटेड। फॉरवर्ड आपको आता ही है बेटा, डेट पर्टिकुलर एनएफ अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। तो मैंने बोला इस क्वेश्चन में बेटा हमने क्या बनाना है, हमने कैश बुक बनानी है और जर्नल एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि जर्नल में हम सिर्फ वो एंट्रीज करेंगे जो कि बैंक से रिलेटेड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो बैंक से रिलेटेड सारी की सारी कहाँ चली जाएगी, कैश बुक में। अच्छा, कैश बुक बनाने को ना कहा जाता तो सबसे पहली एंट्री वैसे बता रही क्या होती, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 80,000 शेयर्स है 2.50 से क्या हो जाता, मल्टीप्लाई हो जाता। लेकिन अब हमने ये एंट्री नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि कैश बुक बनाने को कहा गया है। अब हम एंट्री करेंगे 2019 1st June। अब बच्चे कहते हैं मैम क्यों आप 1st June क्यों बोल रहे हो, जबकि हमें तो मई में दी हुई है एप्लीकेशन मनी की जो अमाउंट 2.50 दिया हुआ है, तो आप 1 June को क्यों कर रहे हो? आप हमेशा याद रखना एक पॉइंट, क्या कि जो डेट हमारी एप्लीकेशन की होती है ना, रिसीव तो हम कर लेते हैं उसी डेट को। जैसे 1st May को अगर हम एंट्री करनी होती तो हम करते बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 80,000 × 2.50, है ना, वो तो समझ आती है। लेकिन जब हम ट्रांसफर करते हैं ना एप्लीकेशन मनी किसमें, शेयर कैपिटल में, तो वो डेट कौन सी डेट होती है, जो अलॉटमेंट की डेट है। जैसे कि आप देख सकते हो 1st June 2019 जो अलॉटमेंट की डेट है, तो आप एंट्री क्या करेंगे देखिए। तो इसीलिए आपने जून 1 को ही एंट्री करनी, गलती मत करना 1st May को करके, क्योंकि कभी भी कंपनी जो एप्लीकेशन बनी है वो ट्रांसफर नहीं करती शेयर कैपिटल में जब तक शेयर क्या ना हो जाए, अलॉट ना हो जाए। मीन्स कहने का कि अलॉटमेंट के डेट को ही कंपनी क्या करती है, ट्रांसफर करती है अपनी एप्लीकेशन बनी। तो लिखिए बेटा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एलएफ का कॉलम थोड़ा छोटा बना लेते हैं बेटा, एलएफ का, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब 80,000 जो है नंबर ऑफ शेयर्स है और 2.50 है, 2.50 का मैंने पॉइंट हटा कर यहाँ पे 100 लगा दिया, तो देखिए कितना आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा बेटा 2 lakh। तो आप लिखिए 2 lakh, दोबारा बताऊं 2 lakh ऐसे है, 80,000 शेयर्स है, 2.50 जो हमारी एप्लीकेशन मनी है, तो कितना आ जाएगा 80,000 × 2.50, 2 lakh लिखे बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट की हमने एप्लीकेशन मनी किसमें ट्रांसफर कर दिया, शेयर कैपिटल अकाउंट में। अब बात करें बेटा अगर हम अलॉटमेंट जैसे ड्यू करते हैं, वो एंट्री तो यही होगी बेटा यहाँ पर जून 1 को, मतलब कहने का जर्नल में लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कौन सी एंट्री है, ये अलॉटमेंट मनी जो हम ड्यू कर रहे हैं। अलॉटमेंट मनी कितनी है बेटा, 2.50 है, 80,000 शेयर्स है, ये भी कितनी बन जाएगी, 2 lakh बन जाएगी, ठीक है, सेम अमाउंट है बाई चांस की। उनकी अलॉटमेंट मनी भी कितनी है बेटा, अलॉटमेंट मनी भी बेटा उतनी ही है 2.50, उसको 80,000 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 2 lakh, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, लिखिए बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी क्या करती है, ड्यू करती है। अब उसके बाद अच्छा मान लो कैश बुक ना बनाने को कहा जाता तो मैं एंट्री पूरी बता देती हूँ। एंट्री होगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट, ध्यान से सुनो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल इन एडवांस। अब कॉल इन एडवांस में कितना आता बेटा, 600 × 5 = 3000, और वैसे कितना हमें मिल रहा है अलॉटमेंट मनी, 2 lakh। तो बैंक में एंट्री डालते हैं बैंक अकाउंट डेबिट 2 lakh 3000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना बेटा 2 lakh टू कॉल इन एडवांस, कितना आ जाता 600 × 5 = 3000। क्लियर हो गया? पर अब हमने ये एंट्री नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि बेटा हमें जो है कैश बुक बनाने को कहा गया है।
दोबारा बता रही हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेवलोपमेंट अकाउंट कॉल इन एडवांस अकाउंट पर ये एंट्री अब डायरेक्ट कहाँ चली जाएगी, कैश बुक में चली जाएगी। अब उसके बाद हम फर्स्ट कॉल मनी क्या करते हैं, ड्यू करते हैं, तो एंट्री लिखिए फर्स्ट कॉल मनी की डेट क्या है बेटा, डेट है इसकी 1st नवंबर, लिखो नवंबर 1। आप लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 80,000 जो है आपके शेयर्स हैं जो सब्सक्राइब कर लिए गए पब्लिक के द्वारा, 2 रुपीज जो है आपकी क्या है फर्स्ट कॉल मनी है, 80,000 × 2 हो जाएगी 1,60,000, ये मनी हमारी क्या हो जाएगी फर्स्ट कॉल पर ड्यू हो जाएगी। तो आप लिखेंगे बी फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल क्या हो गई है ड्यू हो गई है, पहली जो फर्स्ट कॉल हमने बुलाई है वो ड्यू हो गई है। अच्छा मान लो हमें कैश बुक बनाने को ना कहा जाता, तो अब हम क्या करते बेटा, हम रिसीव की एंट्री करते वक्त कॉल इन एडवांस जो रिसीव हुई है फर्स्ट कॉल की बात कर रही हूँ, तो हम उसको क्या करते हैं एडजस्ट करते हैं। तो हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो बैंक में कितना आता, एक्चुअल में हमारा आना चाहिए था 1,60,000, जिसमें से एक शेयर होल्डर जिसका नाम शंकर है 600 शेयर पर 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल एडवांस दे रही है। अब बच्चे कहते हैं मैम आप 5 क्यों नहीं बोल रहे, बेटा फर्स्ट कॉल मनी देखो 2 रुपीज़ है, 1,200 जो है बैंक में से कट जाएंगे, इट मीन्स 1,60,000 में से अगर 1,200 पहले मिल चुके हैं तो हम एंट्री क्या करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल में तो 1,60,000 डालेंगे और बैंक में कितना आ जाएगा 1,588,800 और कॉल इन एडवांस में आ जाएगा 1,200। अब मैंने ये 1,588,800 कहाँ से बोला, 1,60,000 में से उस पर्सन ने हमें पहले 1,200 दे दिए हैं, तो 1,200 माइनस करके देखो 1,60,000 में से, तो अब दिखा देती हूँ मैं करके आपको क्लियर हो जाएगा, 1,60,000 रुपये आपके आने थे, जिसमें से एक बंदा जिसके पास 600 शेयर थे उसने फर्स्ट कॉल दे दी, तो 1,200 रुपये क्या हो गए पहले ही रिसीव हो चुके हैं, तो पर्सन दोबारा नहीं देगा, तो ये आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब क्योंकि बैंक वाली एंट्री यहाँ नहीं करनी जनरल में, इसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो है सीधा डायरेक्ट जाएगी कैश बुक में, तो अब आपको क्या करना है, आप जो कॉल इन एडवांस टू शेयर फर्स्ट कॉल है वो एंट्री आप क्या करेंगे जनरल में करेंगे। तो लिखिए जरा नवंबर 1, राइट डाउन नवंबर 1, मैं पूरी एंट्री नहीं लिख रही सिर्फ कॉल इन एडवांस ही कर रही हूँ, नवंबर 1 कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब ये एंट्री कैसे हुई मैं आपको पहले इसकी पूरी एंट्री बता देती हूँ, अगर कैश बुक ना बनानी होती आप एंट्री करते बेटा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल में आप लिखते 1,60,000 में से 1,200 जो है वो डेबिट में से माइनस हो जाता तो 1,588,800 बैंक में लिखते, पर बैंक नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा क्योंकि कैश जो है बुक में डायरेक्ट लिख देंगे, तो ये जो 1,200 आया है वो हम इसमें लिख देंगे कि हमारी जो है कॉल इन एडवांस जो है एडजस्ट हो गई है, बी कॉल इन एडवांस मनी एडजस्टेड, ये हमारी कॉल इन एडवांस की मनी क्या हो गई है एडजस्ट हो गई है। अब बात करेंगे बेटा हम सेकंड कॉल की, सेकंड कॉल मनी क्या करेंगे, पहले ड्यू करेंगे, ड्यू करने की एंट्री आपको आती है जिस तरह हमने फर्स्ट कॉल की ड्यू की है उसी तरह आप लिखेंगे, आप अब जो है कब मंगाई गई है 2020 में, तो ईयर क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा 2020, लिखिए जरा 2020 फेब्रुअरी, अब लिखिए 2020 फेब्रुअरी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब क्या लिखेंगे बीइंग, अभी अमाउंट लिख रही हूँ बेटा, सेकंड कॉल मनी, सेकंड कॉल ड्यू भी लिख सकते हो, सेकंड कॉल ड्यू, ठीक है। कितना आएगा आप देखिए हमारे शेयर्स कितने 80,000 है और 3 रुपीज है, तो 2,40,000 जो है ड्यू हो जाएंगे, ड्यू का मतलब मंगा रहे हैं कंपनी वाले अपने शेयर होल्डर से इतने पैसे मंगा रहे हैं।
अब हम जब रिसीव की एंट्री करें, मान लो कैश बुक ना कहा जाता तो वही एंट्री होती जैसे मैंने फर्स्ट कॉल की करी थी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। तो टू शेयर सेकंड कॉल में तो 240,000 आता, लेकिन जो शेयर होल्डर हमें पहले दे चुका है, जैसे अगर 240,000 की बात करें हम ड्यू कर चुके हैं, उसमें से जो शेयर होल्डर हमें एडवांस दे चुका है, जैसे 600 शेयर होल्डर के पास शेयर्स हैं, इंटू 3 rupees 1800 एडवांस आ गई है, तो आप 1800 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है, 238200 बैंक में जाएंगे। मीन्स अगर आप एंट्री करो बैंक अकाउंट डेबिट 238200 आ जाएगा, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट 1800, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट 240,000। पर यहाँ पर बैंक वाली एंट्री नहीं करनी बेटा, क्यों नहीं करनी, क्योंकि वो डायरेक्ट कहाँ जाएगी, कैश बुक में जाएगी। तो अभी आपने सिर्फ वो एंट्री करनी है जो एडजस्ट कर लेनी है, कॉल इन एडवांस तो आप लिखिए, राइट डाउन February call in advance account debit to share second call account second call में कितना मैंने अभी बताया 600 into 3 1800, टोटल तो 3000 ही आया, 1200 पहले रिसीव हो गया था, 1800 ये वाला ये भी पहले रिसीव हो गया था अलॉटमेंट के टाइम। तो आप लिखो कि बीन कॉल इन एडवांस मनी एडजस्टेड, कॉल इन एडवांस मनी क्या कर दी हमने, एडजस्ट कर दी है, ठीक है, और बाकी जो रह गया वो हम कहाँ पर दिखाएंगे, कैश बुक में, कितना 238200 ये आ जाएगा कैश बुक में। तो अब हम बनाते हैं बेटा कैश बुक, इसी क्वेश्चन के हम क्या बनाएंगे, कैश बुक। बनाएंगे कैश बुक, कैश बुक का फॉर्मेट सबको आता ही है बेटा। कैश बुक में हम क्या करते हैं, डेबिट शर्ट रिसिप्ट लिखते हैं और क्रेडिट शर्ट क्या लिखते हैं, पेमेंट्स लिखते हैं। तो आपको पता है कि डेबिट साइड में जो पैसा आ रहा है वो लिखा जाता है और जो पैसा जा रहा होता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो लिखिए जरा सबसे पहले कैश बुक, ये इसमें सिर्फ बैंक की एंट्रीज ही करनी है इसमें, क्योंकि सारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है बैंक में होती है, बैंक के थ्रू होती है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, अमाउंट के कॉलम में आप रुपीज रुपीज जरूर लिखा करो, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या आई है बेटा, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, तो आप लिखिए टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, आपको पता है 80,000 शेयर्स है, 2.50 एप्लीकेशन मनी है, तो 80,000 into 250 मतलब ये आ जाएगा बेटा 2 lakh, ठीक है। फिर बात करते हैं हम अलॉटमेंट की, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये भी 80,000 शेयर्स ही है, अलॉटमेंट की मनी कितनी है 2.50 है, 2.50 rupees है, तो वो भी कितना आ जाएगा 2 lakh। पर हमें क्या हो गया था अलॉटमेंट के टाइम में एडवांस मिल गया था, किसका, फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का। तो ये मैं आपको बता देती हूँ, जब हम एंट्री करते हैं, मान लो इकट्ठी एंट्री करते हैं अलॉटमेंट के साथ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। अब कॉल इन एडवांस में 600 into 5 करेंगे, ये 5 कहाँ से आया, 2 rupees फर्स्ट कॉल की और 3 rupees आपकी किसकी है, फाइनल कॉल की है, सेकेंड कॉल की है, तो 3000 हमें क्या हो गया, एडवांस आ गया। उसके बाद हम बात करें बेटा फर्स्ट कॉल की, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। अभी मैं आपको फिर दोबारा से बता देती, फर्स्ट कॉल मनी हमारी 1,60,000 थी, जिस पर 600 shares into 2 1200 पहले से आ चुके हैं, तो माइनस करके आ जाएगा बेटा 158800, ये हम करेंगे। क्यों, बच्चे कहते हैं मैडम 1200 कैसे है, एक शंकर जो पर्सन था शेयर होल्डर का कंपनी का,
तो वो क्या है, उसने मनी एडवांस दे दी है। फर्स्ट कॉल मनी कितनी है, 600 × 1200, तो वो दोबारा नहीं देगा, तो हमें कितनी मिलेगी, 158800। अब बात करें हम सेकंड कॉल की, तो लिखे टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। अब आप देखिए सेकंड कॉल आपकी कितनी थी, मैंने अभी बताई थी 240,000 थी, है ना। उसमें से हमें क्या हो गया था, एक पर्सन जिसका नाम शंकर है, 600 शेयर्स पर ₹3 एडवांस दे दिए थे, यानी कि उसने 1800 दे दिए थे, तो कितने हो गए, 238,200। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं जो 3000 है उसमें से 1200 मैंने इसमें से 1,60,000 में से माइनस कर दिए हैं, और 1800 रुपये मैंने किसमें से माइनस कर दिया, 240,000 में से। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका क्या करेंगे, टोटल करेंगे, मेरा उधर लिख देंगे क्रेडिट कार्ड माई बैलेंस सी डी, तो टोटल करके देखिए जरा। मैं चेक कर लेती हूँ कि हमारा कैश बुक आंसर आ रहा है, कैश बुक आंसर वैसे दिया नहीं हुआ, तो आप लिख लीजिए बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना बेटा, 1,00,000। आप ऐसे भी जान सकते हो कि हमने ठीक है कि गलत किया है, आपके 80,000 शेयर्स हैं, 10 रुपये का शेयर है, ठीक है, 10 रुपये में चाहे वो 2.50 एप्लीकेशन पर है, 2.30 पर है, 50 अलॉटमेंट पर है, और उसके अलावा फर्स्ट कॉल हमारी 2 है और फाइनल सेकंड कॉल हमारी 3 है, तो टोटल जो 10, तो 80,000 शेयर्स है, इनको 10 करके देखो तो 800,000 ही हमारा आंसर आना चाहिए, बैंक का बैलेंस जो कहते हैं इसको, कैश का आंसर क्या आ जाएगा, 1,00,000 आ जाएगा। अब बेटा मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल छोटा सा ही है। ऑन 1st February 2020 राज लिमिटेड रिसीव्ड इन एडवांस द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹25 पर शेयर ऑन 400 इक्विटी शेयर्स। कहता कि ना 1 फरवरी 2020 को क्या हुआ, एक कंपनी थी आर लिमिटेड जिसे रिसीव हो गए फर्स्ट कॉल एडवांस में, कितने शेयर्स पर, 400 इक्विटी शेयर्स पर। तो यहाँ पर वो फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं करना जिसके अंदर हमें एप्लीकेशन मनी मिलनी थी, अलॉटमेंट मनी मिलनी थी, फर्स्ट कॉल मनी, फाइनल कॉल, सिर्फ फर्स्ट कॉल की दो एंट्रीज करनी है। एक तो फर्स्ट कॉल मनी हमें एक्चुअल में ड्यू थी 31 मार्च 2020 को, पर ये आ कब गई है, 1st February 2020 को। तो पहले तो हम इसकी रिसीव करने की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फिर जब हम एडजस्ट करने की एंट्री करेंगे कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इक्विटी वर्ड क्यों लिखेंगे, इसका रीजन है क्योंकि क्वेश्चन में इक्विटी वर्ड लिखा हुआ है। तो अब आप बनाइए बेटा, दो ही एंट्रीज करनी है, जनरल बनाओ क्वेश्चन नंबर 17। सबसे पहले आप दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ लो, इस क्वेश्चन में बेटे क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ये कंपनी ने अभी फर्स्ट कॉल ड्यू जो है 31 मार्च को की, ड्यू का विंडो क्या मंगाई कब है, 31 मार्च को, और जो हमारा शेयर होल्डर उसने कब दे दिया बेटा मनी, उसने दे दी 1st February को। तो यहाँ पर कोई हमने अलॉटमेंट की एंट्री नहीं, एप्लीकेशन की एंट्री भी नहीं करनी, अलॉटमेंट की भी नहीं करनी, फाइनल कॉल की भी नहीं करनी, सिर्फ हमने क्या करना है, दो एंट्रीज करनी है, एक फर्स्ट पर जो है एडवांस आ गई है, और एक हम क्या करेंगे इसकी एडजस्ट करने की एंट्री। तो लिखिए जर्नल ओ राज लिमिटेड, जर्नल ओ राज लिमिटेड। सबसे पहले हम बनाएंगे जर्नल का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है, पर्टिकुलर्स का कॉलम थोड़ा बड़ा बनाया करो बेटा, फिर एलएम, अमाउंट डेबिट, फिर अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। दो ही एंट्री होनी है इसमें, एक एडवांस मनी जो आ गई है फर्स्ट कॉल मनी, तो लिखिए 2020 February 1 बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट, कॉल इन एडवांस अकाउंट। कितने शेयर्स हैं देखिए ध्यान से, ये है हमारे 400 शेयर्स, ₹25 क्या है हमारी जो फर्स्ट कॉल मनी है वो 25 हो जा
100 होता है तो 10,000 मनी आ जाएगी, 10,000, ठीक है। आप लिखोगे बीइंग, बीइंग कॉलिंग एडवांस रिसीव्ड मनी, रिसीव कॉलिंग एडवांस मनी रिसीव्ड, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम एंट्री करेंगे 2020 की मार्च 1 की, जब हम एडजस्ट करेंगे। अब क्योंकि अब नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता, कौन से नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता कि कितने शेयर्स हैं, तो हम अभी सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं। तो कॉलिंग एडवांस पहले हमने क्या किया, क्रेडिट की है जब हमें रिसीव हुई है, तो अब हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो एंट्री होगी कॉलिंग एडवांस अकाउंट डेबिट टू, कौन सी कॉल आई है देखो, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। सेम अमाउंट आएगा हमारा 10,000, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि फर्स्ट कॉल के ड्यू कितने हैं, शेयर्स टोटल शेयर्स नहीं पता जो सब्सक्राइब किए पब्लिक के द्वारा। अगर पता होते तो कॉलिंग एडवांस जो उसमें से माइनस करके बैंक में आ जाता अमाउंट कि कितना हमारा अब मिलेगा, लेकिन अब हमें ये पता नहीं है। तो अब आप लिखोगे बीइंग कॉलिंग एडवांस एडजस्टेड मनी एडजस्टेड, हमने कॉलिंग एडवांस मनी क्या कर दी है, पहले रिसीव की थी तो अब क्या कर दी है, एडजस्ट कर दी है। समझ आ गया बेटा, आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा, कॉलिंग एडवांस क्या होता है, इसके क्वेश्चन 16 और 17 कराए हैं मैंने डीके वर्ल्ड की बुक के। कॉलिंग एडवांस वो मनी होती है जो हमारा शेयर होल्डर क्या कर देता है, कंपनी को पहले दे देता है जबकि उनकी ड्यू डेट नहीं आई, जो डेट ड्यू थी उससे पहले ही उसने दे दिया, तो उसको हम कॉलिंग एडवांस कहते हैं। इसका मोटिव क्या होता है, जो हमारा शेयर होल्डर है बेटा वो इसलिए एडवांस दे देता है क्योंकि वो इंटरेस्ट चाहता है कंपनी से। तो मैक्सिमम कितने परसेंट इंटरेस्ट कॉलिंग एडवांस दिया जाता है कंपनी के द्वारा अपने शेयर होल्डर को, 12% पर एनम। तो क्लियर हो गया, अभी बेटा इसके दो क्वेश्चंस रह रहे हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊंगी। सो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल, स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।